हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतु निगम। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्लास थर्ड में ओलंपियाड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2022 एंड 23 सेशन में, एंड आपका बच्चा क्लास थर्ड में है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसमें साथ में मैं क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताऊँगी, साथ ही सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, ये सभी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2022-23 के लिए सैंपल पेपर है, क्लास थर्ड साइंस पेपर से है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर जो है तीन सेक्शन में बटे रहेंगे। साइंस पेपर जो है क्लास थर्ड के पेपर तीन सेक्शन में बटे रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन। नंबर्स ऑफ टोटल क्वेश्चन 35 आते हैं, जिसमें से 5 लॉजिकल रीजनिंग रहते हैं, जो एज पर एज क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। साइंस 25 क्वेश्चंस, मार्क्स एज पर क्वेश्चन 1 रहते हैं। अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन रहते हैं, मार्क्स 2 क्वेश्चन रहते हैं। अब हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने के साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपने बच्चे की तैयारी करवा रहे हों, SOF साइंस ओलंपियाड में या मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, किसी भी ओलंपियाड से आप तैयारी करवा रहे हो, उसमें एक सेक्शन जो है लॉजिकल रीजनिंग का रहता है। और ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सभी क्लास में रहते हैं और सभी सब्जेक्ट में सेम रहते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास थर्ड के किसी भी पेपर की आप तैयारी करवा रहे हो तो सभी पेपर में लॉजिकल रीजनिंग जो सेक्शन रहेंगे उसके सिलेबस सभी सब्जेक्ट में यही रहते हैं। पैटर्न, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर एंड फिगर मैट्रिक्स, मिरर इमेजेस, जियोमेट्रिकल शेप, एम्बेडेड फिगर, डेज एंड डेट्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सेक्शन 2 साइंस से जो रहता है, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके सिलेबस हो जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट CBSE बुक के सिलेबस रहते हैं या फिर स्टेट बोर्ड के जो भी आपके सिलेबस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारे सिलेबस रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स, वर्ल्ड, फूड, हाउसिंग, क्लॉथिंग एंड ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी रूल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ एंड यूनिवर्स, मैटर एंड मटेरियल्स, लाइट, साउंड एंड फोर्स, आवर एनवायरनमेंट। सेक्शन 3 जिसमें अचीवर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। मीन्स इसका ये है कि सिलेबस 2 में जो साइंस से रिलेटेड सिलेबस है उसी से रिलेटेड टॉपिक से सेक्शन 3 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर हायर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब बच्चों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसके बाद ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जबकि सेक्शन 2 के जो क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए अब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन देखेंगे जबकि एग्जाम में हमारा 5 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक सो द टाइम 2 hours 20 minutes आफ्टर 9 hours 40 AM। 9 hours 40 AM के 2 घंटे 20 मिनट के बाद क्या टाइम होगा, देख लेते हैं। 9:40 और प्लस 20 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट का 1 hour होता है, तो 9 और 1 क्या हो गया, 10 hours। अब बच गए 2 hours, तो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 2 10 और 1 11, 11 और 1 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मिसिंग फिगर, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द फिगर पैटर्न गिवन बिलो। ये फिगर पैटर्न क्या है ये पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसके जो मिसिंग पैटर्न है उसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग फिगर में पैटर्न हमारा देख लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न चलिए समझिए, शेडेड, विदाउट शेडेड एंड ट्रायंगल, फिर शेडेड, विदाउट शेडेड एंड ट्रायंगल। तो ये पैटर्न हमारा चल रहा है, 3-3 फिगर का ये पैटर्न चल रहा है। फिर नेक्स्ट 3 फिगर हो गया शेडेड, अनशेडेड एंड ट्रायंगल।
तो नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, सेडेड, अनसेडेड एंड ट्रायंगल। तो अनसेडेड पार्ट किसमें हो रहा है, ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन आउट। ए टेबल, बी बॉल, सी बेड एंड डी चेयर। इनमें से ए, सी एंड डी, ये तीनों फर्नीचर के अंतर्गत आ जाते हैं, जबकि बी बॉल प्ले के अंतर्गत आते हैं। तो ऑड वन आउट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है साइंस सब्जेक्ट से। चलिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, चलिए पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें जनरली रहते हैं। नंबर 4, व्हाट कैन बी रीजन दैट अ टैक्सी ड्राइवर हैज टू बी मोर केयरफुल व्हेन ड्राइविंग ऑन द रेनी डे देन ड्राइविंग ऑन अ हॉट समर डे। मीन्स ये पूछा जा रहा है कि ड्राइवर जो होते हैं, टैक्सी ड्राइवर, वो रेनी डे में बहुत ही केयरफुली ड्राइव करते हैं बनिस्पत हॉट समर डे, यानी बहुत ही गर्मी जब रहता है जिन दिनों में, उस दिनों की तुलना में बारिश वाले दिनों में टैक्सी ड्राइवर बहुत ही केयरफुली ड्राइव करते हैं टैक्सी को। तो इसका क्या कारण है? नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड हायर ऑन द हॉट समर डे। बी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन अ रेनी डे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड ऑफ अ लोअर ऑन द रेनी डे। नंबर 5, वाटर ड्रॉपलेट डैट आर टू हैवी टू फ्लोट में। ए फॉग, बी क्लाउड, सी रेन, डी स्मोक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज सॉरी ऑर्गन सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी and protect the important organ of our body such as lungs, brain, heart, etc. इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे बॉडी को शेप देता है और हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स, ब्रेन एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, स्केलेटन। ये जो है हमारे बॉडी को शेप देता है और हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 7। 7 इज डक हैव ए शॉर्ट एंड बोर्ड बिग बोर्ड एंड फ्लैट बिग, सी स्लेंडर बिग एंड डी पॉइंटेड बिग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, ये थोड़ा सा मूव हो गया है, तो ये हो जाता है करेक्ट आंसर इज हमारा ऑप्शन बी, बोर्डेड एंड फ्लैट बी। चलिए इस ऑप्शन को हम ले लेते हैं, बोर्डेड एंड फ्लैट बी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ से ये हो रहा है, बोर्ड एंड फ्लैट बी। नंबर 8, Look at the classification table. So, P and Q are correctly represented by fruits, edible and inedible. A में हो जाता है, P options में अपना हो जाता है potato, mimosa, plum and lychee. And Q options में हमारा हो जाता है chili, kiwi, cotton and coconut. So, correct answer is option प्लम एंड कॉटन। अब नेक्स्ट सेक्शन अचीवर सेक्शन हो जाता है, जो कि आपका था थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन, हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन हो जाता है। इससे पहले आपने देख लिया कि ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस जनरली रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अचीवर सेक्शन। बेन और सिटलिंग, बेन और सिटलिंग grow, it depends on the seed leaf for nutrition until the first leaf are formed. Which of the following graph correctly identify the changes in mass of seed, leaf, axis and shoot y over time?
इसमें हमें ग्राफ के द्वारा बताना है कि सीड जब ग्रो करते हैं तो सीड जो है लीफ्स पे न्यूट्रिशन के लिए कितने डिपेंडेंट होते हैं, फर्स्ट लीफ फॉर्म जो होता है क्या होता है ग्राफ का जो है, ग्राफ के द्वारा हमें इसे शो करना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग हो जाता है एब्जॉर्ब द गिवन फिक्चर्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग लिक्विड एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तीनों को आप देख पा रहे हैं एंड इसके ऑप्शंस को हम रेट करते हैं। ए लिक्विड एक्स इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट एंड लिक्विड जेड इज ट्रांसुलेंट। बी लिक्विड वाई इज ऑपिक्यू एंड लिक्विड जेड इज ट्रांसुलेंट। सी लिक्विड एक्स इज ट्रांसपेरेंट एंड लिक्विड जेड इज ऑपिक्यू एंड लिक्विड वाई इज ट्रांसपेरेंट एंड लिक्विड जेड इज ऑपिक्यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें से हम यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं लाइन की, ये पतली दिख रही हो अगर आपको, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी है यहाँ पर। चलिए अब आज के लिए इतना ही, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, अभी हाल ही में मैंने क्लास फर्स्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड क्वेश्चन पैटर्न की वीडियो डाले हैं जो कि आपके ओलंपियाड एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, तो उसे भी एक बार आप अवश्य जांच करें और हमारे शॉर्ट वीडियो भी अवश्य देखें जिसमें आपके पजल्स रहते हैं। साइंस से पजल्स अभी मैं डाल रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।